हांगकांग की भारतीय टीम के 190 रन के लक्ष्य का पीछा करने की। ऐसे में हांगकांग की टीम इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी और आते ही पहला झटका दिया अर्शदीप सिंह ने। 286 मुर्तजा अर्शदीप सिंह की इस गेंद पर पीछे शॉट खेल बैठे और पीछे आवेश खान ने शानदार कैच पकड़ ली और 9 रन बनाकर पहली विकेट गिरी हांगकांग की। 200 के बाद तीसरे नंबर पर आए हयात, जो की बेहतरीन बल्लेबाज से 200 इन्होंने टारगेट किया भारतीय टीम के गेंदबाजों को और बड़े शॉट्स लगाना शुरू किया। 200 लगभग 30 से ज्यादा रन इन्होंने अपने शुरुआती ओवरों में ही लगा दिए थे। 200 आप सभी को बता दें, इनके साथ कप्तान निकत खान भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी। तभी इस तरीके से जाडेजा की इस गेंद पर टच कर सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े और इधर से गेंद लपक कर डायरेक्ट थ्रो मार दिया हमारे जाडेजा ने और रन आउट हो गए निकत खान। 200 कप्तान हांगकांग के 10 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते जाडेजा के डायरेक्ट हिट का शिकार हुए। 200 के बाद फिलहाल केडी शाह हैं बल्लेबाजी करने के लिए 2 रन पर और हयात 33 रन पर नाबाक है। तभी 72 गेंदों पर 135 रनों की दरकार है हांगकांग को जीतने के लिए और भारतीय टीम 2 विकेट गिरा चुकी है। 200 भारतीय टीम का इस मुकाबले में फिलहाल तो काफी ज्यादा कब्जा है। 200 आप जाडेजा के इस डायरेक्ट थ्रो को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। 200 शुरू हो चुका है हांगकांग बनाम भारत के बीच में दुबई के मैदान पर एशिया कप 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। 200 दोनों ही कप्तान आमने सामने आए, लेकिन इस बार हांगकांग ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिसके लिए पहले बल्लेबाजी करनी होती हमारी भारतीय टीम। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और उनके साथ केएल राहुल दूसरे सलामी बल्लेबाज बनकर आए। आइए भारतीय टीम की शुरुआत पे चर्चा करते हैं। 200 शुरुआत भारतीय टीम की अच्छी रही, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में बेहतरीन बल्लेबाजी की। 200 एक तरह से रोहित शर्मा अच्छे शॉट्स लगा रहे थे और 20 रन पर पहुंच ही गए थे। तभी हो गई रोहित से बड़ी गलती, आयुष शुक्ला की इस गेंद पर एक और छक्का लगाने की शाम में पुल शॉट खेल बैठे रोहित शर्मा और नीचे खड़े अरदास खान ने शानदार कैच लपक ली कप्तान रोहित शर्मा की, जिसके चलते 21 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए रोहित शर्मा आउट हुए। 200 उनके बाद बल्लेबाजी करने आए तीसरे नंबर पर विराट कोहली। ऐसे में केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी 10 ओवर के बाद भी, लेकिन फंस गए केएल राहुल इस तरीके से गेंद पर। 200 आप सभी को बता दें, केएल राहुल अपने बल्ले का ऐसे बैठे और पीछे विकेटकीपर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में केएल राहुल आउट हुए। मोहम्मद गजफ्फार की गेंद पर 36 रन बनाकर 39 गेंदों का सामना करते हुए उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए थे और नंबर 4 पर आए थे सूर्य कुमार यादव, और आते ही सूर्य कुमार यादव ने भी कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। 200 दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। 200 आज विराट कोहली का शानदार फॉर्म नजर आया और देखते ही देखते विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की इस मुकाबले में। 200 विराट कोहली की नजरें आज के मुकाबले में किसी भी अंदाज से अर्धशतक पर थी। ऐसे में सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो ही रही थी। 200 दूसरे एंड से विराट कोहली भी बेहतरीन पारी खेलकर पहुंच गए अपने तूफानी अर्धशतक तक। जी हां 200, मात्र 40 गेंदों का सामना करते विराट कोहली ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। विराट कोहली की बल्लेबाजी तो दूसरे एंड से बरकरार थी, लेकिन इधर से सूर्य कुमार यादव का धमाका आया मैदान पर। 200 सूर्य कुमार यादव ने 18वें ओवर से तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू किया और ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की मानो पूरा स्टेडियम हैरान हो गया और रोंगटान की पूरी टीम हैरान हो गई। 200 हांगकांग की टीम के खिलाफ हमारे सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 200 असली मजा तब आया जब अर्धशतक लगाकर आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने हारून अर्शद के ओवर में 4 छक्के लगाए। जी हां 200, 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए सूर्य कुमार यादव ने और आखिरी गेंद पर 2 रन निकाले, जिसके चलते इस मुकाबले में 26 रन निकाले आखिरी ओवर में हमारे सूर्य कुमार यादव ने, जो सबसे खतरनाक बल्लेबाजी थी। 200 अपने निर्धारित 20 ओवर में 152 रन भारतीय टीम बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 59 रन हमारे विराट कोहली ने बनाए हैं और 68 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं। विराट कोहली से बाद में आकर खतरनाक बल्लेबाजी की हमारे सूर्य कुमार यादव ने। 200 आप सूर्य कुमार यादव की भयंकर बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।